नमस्ते, मैं हूँ पायल रोहतगी। जी हाँ, आज हम कपड़े फाड़ेंगे फिर से आलिया भट्ट के, क्योंकि आलिया भट्ट की नई फिल्म आ रही है सड़क 2, जो उनके पिताजी ने प्रोड्यूस करी है। जी हाँ, महेश भट्ट साहब, मैं आदर से पुकारूंगी उनको, क्योंकि आदर देना मुझसे बड़े उम्र के लोगों को मेरा आई थिंक फर्ज बनता है, क्योंकि मैं एक अच्छी भारतीय नारी हूँ। मगर जो लोग अपनी पिक्चर के अंदर एक थॉट प्रोसेस प्रमोट करें, जो थॉट प्रोसेस के अंदर एक डायलॉग होता है सड़क 2 के अंदर कि गुरुओं की वजह से मैंने अपने किसी को खोया था, अगर गुरुओं की जगह हम पादरी या मौलवी को डाल देते और फिर ये लाइन को बोलते तो बहुत मज़ा आता, बहुत ज़्यादा फतवे इशू हो जाते। मगर फतवे इशू करते ये लोग अपने खुद के कौम के लोगों के खिलाफ, आई डोंट नो, आई एम वेरी कन्फ्यूज्ड। तो जो लोग पाकिस्तान के आर्टिस्ट को प्रमोट करते हैं और भारत में डर कर रहते हैं, मगर डर कर अपने आप को सुपरस्टारडम स्टेटस के तहत जुनेद लिंचिंग की नकली कहानियां फैलाते हैं और फिर कहते हैं कि रिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट को मीडिया ट्रायल खारिज कर देना चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट जिसने जुनेद की लिंचिंग को लिंचिंग नहीं कहा था, कहा था कि जुनेद की मौत सीट शेयरिंग इंसिडेंट की वजह से एक ट्रेन में हुई थी, बीफ की वजह से नहीं हुई थी। तो ये झूठे लोग अब अपनी पिक्चर सड़क 2 में गुरुओं का नाम ले रहे हैं। इनको अपने मुंह से गुरुओं का नाम नहीं लेना चाहिए, मौलवी और पादरी का नाम लेना चाहिए, क्योंकि ये सब करने से शायद उनको थोड़ी बहुत लाइक्स मिल जाए, क्योंकि गुरुओं का नाम लेंगे तो उनकी पिक्चर को सिर्फ डिसलाइक्स मिलेंगे। सो प्लीज कंटिन्यू डिसलाइकिंग सड़क 2, आफ्टर ऑल वी हैव टू अपोज नेपोटिज्म एंड ऑब्वियसली पीपल हु से दैट आरएसएस वॉज बिहाइंड 26/11 मुंबई अटैक्स। नमस्ते।